एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी मैं सत्तू पराठा खाने में बनाने जा रही हूँ और उसके साथ मैं बैगन आलू की सब्जी बनाऊंगी। वैसे तो बैगन आलू की सब्जी सभी लोग बना लेते हैं, बट मैं आज कुछ स्पेशल तरीके से बनाऊंगी और टेस्ट पूछिए मत। सत्तू पराठा जब भी मैं बनाती हूँ इसके साथ बैगन आलू की सूखी सब्जी इस तरीके से जरूर बनाती हूँ। आज सोची आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। चलते हैं किचन में और बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैगन आलू की सब्जी बना लूँगी। इसके लिए कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। ये हाफ के जी बैगन है, लंबे बैगन थे, इसे राउंड शेप में कट कर ली हूँ। एक मीडियम साइज़ के ओनियन को पेटल शेप में कट कर ली हूँ और एक आलू को भी राउंड शेप में कट कर ली हूँ। इन सबको हमें फ्राई करना है। सबसे पहले बैगन फ्राई करके निकाल लूँगी। इसे हमें 80% तक अभी कुक कर लेना है। इससे बैगन की सब्जी चिपकी नहीं बनेगी, खिली खिली बनेगी। हो गया है, निकाल लेंगे बैगन। इसी बचे हुए तेल में ओनियन और पोटैटो को भी फ्राई करके निकाल लूँगी। बैगन आलू की सब्जी में प्याज का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। एक बार इस तरीके से बनाना, काफ़ी पसंद आएगा सबको। इसे निकाल लूँगी, हो गया। इसी कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, दो सूखा लाल मिर्च तोड़ के डाल दी हूँ। थोड़ा सा इसमें क्रश किया हुआ कोरिएंडर डाल दी हूँ। एक हरा मिर्च कट करके डाल दी हूँ और एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के डाल देंगे। इसे अच्छे से पका लेना है। पक गया है, इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे भी एक सेकंड के लिए पका लेंगे। ये टमाटर के साथ अदरक लहसुन भी पक जाएगा। इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, दो मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसे बारीक कट कर लिए हैं। और टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल के अच्छे से पका लेंगे। सॉल्ट से अच्छे से टमाटर गल भी जाएगा। ये कवर करके 5 मिनट पका लिए हैं, अच्छे से पक चुका है। इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच धनिया का पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अमचूर पाउडर ज़रूर से डालना, काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी अच्छा इसे टेस्ट आता है। दो चम्मच पानी डाल के इसे अच्छे से भून लेना है। पक चुका है, इसमें वाटर अब ऐड कर देंगे। मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ इसलिए ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। पक गया है, इसमें अब मैं सब्जी ऐड कर दूँगी। अगर ग्रेवी वाली बना रहे हो तो इसमें आप वाटर ज़्यादा ऐड करना, बट सत्तू पराठा के साथ सूखी सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आलू भी ऑलमोस्ट पक ही गया है। इस पर आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। इसे एक बार मिक्स करके कवर करके 2-3 मिनट पका लेंगे। ये सब्जी बन के हमारी रेडी हो गई है। नेक्स्ट सत्तू पराठा बना लेंगे। इसके लिए आटा में नमक ऐड कर दी हूँ और पानी डाल के गूँथ लूँगी। जैसे रोटी के लिए आटा रेडी करते हैं उसी तरीके से इसका भी डो रेडी कर लेना है। हो गया है, थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे कवर करके 5-10 मिनट के लिए रख देंगे। इधर मैं 1 कप सत्तू ली हूँ, इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर दी हूँ और थोड़ा सा ये कलौंजी है इसमें ऐड कर दी हूँ। एक हरा मिर्च कट करके डाल दूँगी, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, एक छोटा साइज़ का ओनियन ऐड कर दूंगी। ओनियन आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, बट हम लोगों को अच्छा लगता है टेस्ट इसलिए डाल देते हैं।
एक चम्मच इसमें सरसों तेल डाल दी हूँ और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दी हूँ, एक नींबू का रस, और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी का ऐड बहुत कम करेंगे। ये हो चुका है, इधर लोई से इस तरीके से कटोरी शेप का बना लेंगे। इसमें स्टफिंग डाल देंगे, दो चम्मच यहाँ सत्तू इसमें डाल देंगे। इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। तब आप इसे डाल देंगे, दोनों तरफ से पका लेंगे घी लगा के। चाहे आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हो, रिफाइंड ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल, जो भी आप ऑयल यूज़ करते हो। ये देखिए फुली फुली सत्तू पराठा बन चुकी है। इधर सब्जी भी रेडी है। ये खाना हम सर्व कर लिए हैं, दही सत्तू पराठा बैंगन आलू की सब्जी। हम लोगों का खाना सब्जी काफ़ी टेस्टी बनी थी। आप लोग सत्तू पराठा खास कर बनाओ तो उसके साथ स्पेशली ये सब्जी बनाओ, बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे तो सब्जी मैं बहुत तरीके से बनाती हूँ, बट सत्तू पराठे के साथ इस तरीके से जरूर बनाती हूँ। सबको बहुत पसंद आता है ये सूखी सब्जी, और आप लोगों को भी पसंद आने वाला है। कुछ देर पहले अमेजोन से पार्सल आया था, मैं प्लेटर ऑर्डर की थी और 1000 मुझे पड़ा था। घर में रहना चाहिए प्लेटर, कोई गेस्ट वगैरह आ गए तो उसको सर्व करने के लिए स्टार्टर वगैरह तो अच्छा रहता है। आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये चार आए हैं प्लेटर, इसे आप ट्रे भी कह सकते हो। स्टार्टर वगैरह देने में अच्छा लगता है, इसमें मोमोज हो गया, चाउमीन हो गया, या फिर कुछ है ना फ्रेंच फ्राइज हो गया, ये सब के लिए अच्छा रहता है। काफ़ी अच्छा है, मुझे 1000 पे ये चारों मिला था। दो बॉल भी है, एक ये दिया। इसमें आप सॉस वगैरह भी रख सकते हो। प्लेटर बताना, और मुझे तो अच्छा लगा 1000 में चार प्लेटर मिल रहा है आपको, दो बॉल मिल रहा है तो अच्छा है। घर में ऐसा आइटम रहना चाहिए, कभी कोई गेस्ट आ गए स्टार्टर वगैरह सर्व करना, कटलेट वगैरह, फ्रेंच फ्राइज, मोमो, जो भी आप चाहे तो इसमें रख के अच्छे से सर्व कर सकते हैं, अच्छा रहता है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।